अगली खबर का रुख करेंगे। सुकमा में अतिक्रमण पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। दरअसल जिला मुख्यालय में बीते कई महीनों से लगातार अतिक्रमण किए जा रहे थे और जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान आज से चलाया है, जिसके चलते जिला मुख्यालय स्थित कुम्हार रास में निर्माणाधीन घरों को तोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रहवासी बिना नोटिस देकर घर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें घर निर्माण कराने में लाखों खर्च किए हैं। तो वहीं तहसीलदार ने कहा है कि निर्माण वाले घरों को नोटिस दिया गया था और निर्माणाधीन घर वालों को भी नोटिस देने का प्रावधान नहीं है। साढ़े चार 3 लाख रुपए खर्चा हुआ, हमारा सामान उमान पूरा निकाल के घर को तोड़ दिया है और घर हम लोग निकालेंगे बोलने के लिए हमको बिल्कुल टाइम नहीं दिया, तुरंत गाड़ी ला के तोड़ दिए घर को। समय नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया। उससे पहले नोटिस वोटिस मिला? नहीं, नोटिस भी नहीं मिला, कागज भी नहीं आया। नहीं मिला, उतारने तो वो भी नहीं दिया, उतारने का टाइम भी नहीं दिया। निकलो घर से, निकलो जबरदस्त तो निकाल के तोड़ दिया। हमारा सामान वामान पूरा निकाल के तोड़ दिया घर से। क्या करेंगे बताओ, हम लोग नोट भी नहीं है, कुछ नहीं है। 3.5 लाख रुपए खर्चा हुआ घर बनाने। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिसी शासकीय भूमि में हम वर्तमान में अवैध निर्माण प्रारंभ, उसे प्रथम चरण में हम हटा रहे हैं। सर ये अभियान सर कब तक चलेगा? क्या अभी कंटिन्यू रहेगा कोई सुकमा क्षेत्र के? तो इसमें कुछ ऐसी बात आ रही है कि नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसका कोई नियम? जो अंडर कंस्ट्रक्शन रहते हैं उसको नोटिस जारी करने का आवश्यकता नहीं है, जिसमें कोई निवास रहता है उसको नोटिस जारी करते समय। बड़ी खबर।